हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग प्रीति। आज मैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग प्लस उसकी असेंबली लेकर आई हूँ और वो है बच्चों के लिए एक टॉय ऑर्गेनाइजर। ये एक तरह का चाइल्ड बुक रैक है या हम इसे कैबिनेट कह सकते हैं। आप उसको यूज कर सकते हैं बच्चों के टॉयज रखने के लिए, बच्चों की क्लोथिंग्स के लिए या बच्चों के जो छोटे मोटे एसेंशियल्स होते हैं उसके लिए। इसमें जो यूसेज इसका हुआ है वो स्टील पाइप्स का हुआ है, तो टूटने का भी इसका कोई चांस नहीं है। प्लास्टिक की ये बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पस था इस कैबिनेट को बाय करने का वो ये था कि जो मेरी डॉटर को मैंने एक टॉय टेबल दे रखा था उसमें मैं उसके टॉयज लगा के रखती थी। उसके अलावा उसके पास एक बॉक्स था जिसमें वो अपनी बॉल्स रखती है, एक कैबिनेट अलग से दे रखा है, तो हर 3 दिन या 4 दिन बाद मुझे वो टेबल मैसी लगती थी। मुझे 3-4 दिन में वो टेबल को क्लीन करना पड़ता था। हफ्ते में 2 बार वो टेबल क्लीन होती थी। हमारा शेड्यूल था एवरी वेडनेसडे एंड एवरी संडे हम उसको उठाकर क्लीन करेंगे, बट जैसे ही आप उसको वेडनेसडे मॉर्निंग को देखते या संडे मॉर्निंग को देखो तो वो इतनी मैसी होती थी कि जितने भी उस पर मैंने अच्छे से सामान जचा के रखते थे बच्चे उसको एकदम पाइलअप कर देते हैं। इस मेस को क्लियर करने के लिए मैंने ये अलमीरा ऑर्डर करी है। मैं आपको इसका मैसी टेबल भी दिखाऊंगी कि अपना टेबल को कितना मैसी रखती है। एंड अब इस स्टोरेज शेल्फ, इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से मैं काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाई हूँ। अब इसके टॉयज जो है वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। इस प्रोडक्ट की मैं आपको डायमेंशन बताती हूँ, दैट इज 20x10x5 सेंटीमीटर्स में 1.5 किलो की अलमीरा है ये। इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसमें इन्होंने एक अपना मैनुअल दिया हुआ है। कुछ स्मॉल शीट्स थी। फोर लॉन्ग शीट्स हैं रेक्टेंगुलर में। ये इसके एंगल्स हैं। अलमीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर एक साइड का एंगल है, उसमें लॉन्ग ट्यूब्स आपको 4 फुट करनी है। एक रेक्टेंगुलर शीट को आपको फर्स्ट एंड फोर्थ रॉड में पुट कर उसको बेस प्रोवाइड करना है। अलमीरा का फर्स्ट पैनल रेडी हो गया है। ये कुछ कनेक्टिंग रॉड्स हैं, जो 5 कनेक्टिंग रॉड्स होंगे आपके 2 सेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्टिंग रॉड अब हम इधर लगाएंगे फर्स्ट वाली शीट के साथ, ताकि इसके साथ आप एक और इसका पैनल ऐड कर सकें। अगेन 4 लॉन्ग रॉड्स इसमें कनेक्ट करेंगे एंड जैसा प्रोसीजर हमने पहले फॉलो किया था सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर एक और शेल्फ यहाँ लगाने का हम ट्राई करेंगे।
अभी हमारा एक पैनल रेडी हो गया है, इसी तरह से हमें बाकी के 5 पैनल्स रेडी करने हैं विद द सेम प्रोसीजर। ये टोटल 5 पैनल्स हम रेडी कर चुके हैं। अब जो आपके स्मॉल रॉड्स थी उसमें आपको 2 स्मॉल रॉड्स को लेकर ऐसे शीट ऐड करनी है। ये मेरी डॉटर ने हमें करके दिया था, तो हमने सेंटर में उसको एज अ पार्टीशन यूज़ किया है। अब बाकी के 4 कॉर्नर्स पर आपको अगेन लॉन्ग रॉड्स का यूज़ करना है और अब हम जो सबसे लॉन्ग रेक्टेंगल शीट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी अनबॉक्सिंग के टाइम पर, वो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ रॉड में पुट करनी है। इस तरह से अब आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट रेडी हो गया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो हमने किया था, जो सबसे लॉन्ग हमने पैनल्स ऐड किए थे। अब उन्हें 1 by 1 यहाँ पे पुट करते जाएंगे। अगेन नीचे का प्रोसीजर, फर्स्ट स्क्वायर वाली शीट अब हमने लगाकर यहाँ पे पार्टीशन दे दिया है। अगेन 1, 2, 3, 4 लॉन्ग रोड्स पुट कर फर्स्ट एंड फोर्थ में वापस से रेक्टेंगुलर शीट को ऐड करेंगे। इसी तरह हम हमारी अलमीरा में पूरे कंपार्टमेंट्स को रेडी कर लेंगे। ये अलमीरा हमारी रेडी हो चुकी है। ये मेरी डॉटर की हाइट से 1 शेल्फ ऊपर है, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा इस शेल्फ पे कुछ ऐसे सामान रख सकूँ जो ये इजीली देख सके और यहाँ से इजीली ले सके। होप आपको ये असेंबली समझ आई और आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह का अगर कुछ चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रेफरेबल है। मैं इसको 10 out of 10 देना चाहूंगी। मेरे लिए काफी ग्रेट शेल्फ रही है, वैल्यू फॉर मनी भी रहा है। इसका लुक जो है काफी एस्थेटिक लुक देती है, या हर पार्टीशंस को वो अच्छे से यूज कर पाती है। टॉप तक पहुंचने के लिए उसको मेरी हेल्प चाहिए, बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें इसके काफी हद तक टॉयज आ चुके हैं। बेस्ट पार्ट इज अगर आप किसी रेंटल स्पेस में रहते हैं और आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इस तरह की अलमीराज को बिल्कुल खरीदिए। आप इसको इजीली असेंबली भी दे सकते हैं और इजीली डिसमेंटल कर कहीं भी जा सकते हैं। मेरा एक सजेशन है, लेस देन 5 इयर्स तक के बच्चों को अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप ये सेल्फ ऑर्गेनाइजर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, 2-3 कलर्स इसमें अवेलेबल है। मेरी डॉटर को ब्लू पसंद था तो उसने ये ब्लू कलर का लिया है, बट दिस इज अ क्वाइट नाइस गिफ्ट। बेस्ट इज की जो वुडन अलमीराज होती हैं, आप उसमें ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वुडन अलमीराज ऐसी है कि आपको पर्टिकुलरली लगाकर ही रखनी पड़ेंगी। एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करते हैं तो वुडन अलमीराज में आपको प्रॉब्लम आती है। दिस इज द बेस्ट एंड अच्छा रिप्लेसमेंट है ये वुडन अलमीराज के लिए। तो ये एक मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहा इस प्रोडक्ट को लेकर। मुझे ये अलमीरा अच्छी लगी। अगर आप ये अलमीरा लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, मेरे लिए 10 on 10 है एंड आपके लिए भी ये इतनी ही अच्छी होगी। काफी स्टर्डी है एंड इजी, आप इजीली अपने पर्टिकुलरली जिस भी प्लेस पे इसको रखते हैं आप उसको वहां से हटाकर पीछे से इसकी क्लीनिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।